सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग न्यूज़ वीडियो। सो गाइज, आपको पता ही होगा कि आइस स्क्रीम 6 में कैपलेरियंस वाले एक नया अपडेट लाने वाले हैं जो कि बहुत ही बड़ा होगा, एंड इसमें फाइनली जोसेफ सलिवन की जो डेथ मिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगी। जैसा कि हमको पता है कि आइस स्क्रीम के चैप्टर 5 में रॉड का वो हाउस देखने को मिला था, वो रेड वाला हाउस, जिसमें रॉड और जोसेफ सलिवन यानी रॉड के फादर जोसेफ सलिवन के बीच की कुछ कॉन्वर्सेशन दिखाई गई थी, जिसमें हमको जोसेफ सलिवन काफ़ी परेशान दिख रहा था, वही घर। तो मे बी आइस क्रीम 6 के इस अपडेट में ये रेड वाला घर भी ओपन कर दिया जाए, मैप में ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अगर आइस क्रीम 6 के इस अपडेट में ये घर ऐड नहीं किया जाता तो फिर आइस क्रीम 7 में ही ये घर आएगा। सेकंड, इस घर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट बॉक्स रखा हुआ है जिस पर लिखा है डू नॉट ओपन, तो उस बॉक्स का भी क्या मिस्ट्री है, मे बी वो भी बताया जाए आइस क्रीम 6 के इस अपडेट में। बाकी वो जो रेड वाली की लटक रही थी, हो सकता है उस की को यूज़ करके हम वो बॉक्स खोलें एंड उस बॉक्स के अंदर हो वो सीक्रेट कट सीन जिसमें हमको जोसेफ सलिवन की डेथ मिस्ट्री पता चलेगी। बट इसका मतलब तो यही होगा कि हम रॉड की फैक्ट्री से बाहर आ जाएंगे। मे बी हम रॉड की फैक्ट्री के बाहर का एरिया एक्सप्लोर कर सकें बट गेट फिर भी लॉक हो। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या वो रेड वाला हाउस मैप में आइस क्रीम 6 के इस अपडेट में ही ऐड होगा या फिर हो सकता है आइस क्रीम 7 में हो। मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not come down. Eventually, you will get ahead. I promise. I asked my father for help. No, he will not listen to you. He hides many secrets that you will have to discover later. You'll see. You will become an ice cream maker as good as him. Mark my word, son. You will discover how to take revenge on them all. You are buried under my feet. It was you who started the war. I don't regret what I